guys, it's me Chirag Gujral and welcome to my YouTube channel. तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कर सकते हो। और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके कमेंट भी आते हैं हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हुए हैं रील्स के, ना व्यूज़ मिल रहे हैं ना लाइक्स मिल रहे हैं। तो मैं यार आपको रियल ट्रिक्स बताऊंगा जो बिल्कुल रियल ट्रिक्स होंगी जिससे आपको लाइक्स व्यूज़ मिल जाएंगे। अगर आपको यार व्यूज़ नहीं आते तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। और गाइज नई नई ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो में, तो चलो जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं। अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस फर्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। अब आपको ना एक बात मतलब दिमाग में डाल लेनी है, अगर आपको इंस्टाग्राम में जल्दी से जल्दी अपने अकाउंट को ठीक करना है, जल्दी से जल्दी आपको अपनी वीडियोस को वायरल करना है, तो आपको यार लेटेस्ट ट्रेंड में ही वीडियो सबसे पहले बनाना होगा। ठीक है, अब ये ट्रेंड अभी चल रहा था मैसेज वाला, बहुत सारों ने उस पर वीडियो बनाया, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स मिल गए। और उससे पहले गन शॉट वाला चैलेंज भी चल रहा था रील्स में, अब ये आइज़ वाला ट्रेंड भी चल रहा था, है ना। मेरे भी किसी सब्सक्राइबर का ना अकाउंट फ्रीज़ हो गया था, मतलब उनको लाइक्स आ ही नहीं रहे थे, उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड में जल्दी से जल्दी वीडियो बना लिया तो उनका एकदम से आईडी अनफ्रीज़ हो गया। मतलब ऐसा कहना कि लेटेस्ट ट्रेंड में जल्दी आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाता है। और अगर कोई लेटेस्ट ट्रेंड इंस्टाग्राम में नहीं आ रहा, ठीक है, रोज़ थोड़ी आता लेटेस्ट ट्रेंड, तो आपको तब क्या करना है, कोई भी अगर रील्स वायरल होती है ना उसके साथ डुएट करके उसका ट्यूटोरियल डाल देना। ये वीडियो कैपकट से ऐसे एडिट की गई है तो आप ये भी चीज़ दिखा सकते हो, ट्यूटोरियल भी बना सकते हो। और गाइस आप फिल्टर के बारे में बता के भी लाइक्स ले सकते हो, वीडियो के साथ डुएट करो और बताओ इस वीडियो में कौन सा फिल्टर यूज़ हुआ है। तो ऐसी वीडियो बहुत ही कम लोग इंस्टाग्राम में डालते हैं और इनके लाइक्स और वायरल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और गाइस आपको एक और चीज़ करनी है, इंस्टाग्राम में एक दूसरा अकाउंट भी बनाना है, आपके पास एक दूसरा अकाउंट इंस्टाग्राम में होना चाहिए। अब उससे आप क्या कर सकते हो, दूसरे आईडी से आपको रील्स की वीडियो देखनी है जो रील टैब में दिख रही होती हैं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी ट्रेंड के बारे में सबसे पहले पता चल सकेगा। और गाइस एक और चीज़ अभी इंस्टाग्राम में चल रही है कि ये ना लाइव वाला फिल्टर है, ठीक है, इसमें आपको वीडियो बनानी है क्योंकि इस फिल्टर में ना बहुत सारे कम फॉलोवर वालों ने वीडियो बनाई है अभी। और ये फिल्टर के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इन फिल्टर में ना जिनके 500-500 फॉलोवर भी हैं ना उनको भी मतलब लाखों में लाइक्स मिल गए हैं। तो गाइज हैशटैग मैं कितने डालूं अपनी रील्स में, ठीक है, अब बहुत सारों को ये भी प्रॉब्लम होती है हैशटैग कितने डालूं। तो इंस्टाग्राम ना एक असली में मशीन है, ठीक है, एक सिस्टम डाला हुआ है उसके अंदर। तो आपको करना क्या है, आपको या 6 या 8 या 15 हैशटैग टाके डालने हैं अपनी रील्स की वीडियो में, और आपको हैशटैग रिपीट भी करने हैं, ठीक है, अपनी आप 5-6 वीडियो में रिपीट करो हैशटैग, और जिससे इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा कि आपका कंटेंट इस टाइप का। जैसे अगर आप एडिटिंग वीडियो बना रहे हो तो आपको ये वाले हैशटैग डालने हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आप कोई लाइक ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हो तो आपको ये वाले हैशटैग डालने हैं, समझ गए। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर आपको अपनी इंस्टा आईडी अनफ्रीज करनी है और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आईडी को रीसेट करना है। 5 मिनट के लिए अपनी आईडी को प्राइवेट कर देना और 5 मिनट बाद पब्लिक कर देना, ठीक है। और एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको अपने इंस्टाग्राम की रीच बढ़ानी है, और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इंस्टाग्राम में, आप जब रील टैब ओपन करते हो जहाँ पे आपको रील्स की सारी वीडियो दिखती हैं, कभी कभी ऐसे होता ना जिनको आपने फॉलो भी नहीं किया होता उनकी भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर दिख रही होती हैं, तो आपकी वीडियो दूसरों को कैसे दिखेगी। तो आपको भी अगर अपनी वीडियोज़ दूसरों को दिखानी है ऐसे ही इस तरीके से, जैसे आप कोई ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हो या एडिटिंग की वीडियो बनाते हो रील्स में, तो आपको करना क्या, आपको उसी टाइप की वीडियो सेव करके अपने फ़ोन में रख लेनी है इंस्टाग्राम में, जिससे इंस्टाग्राम को ये पता चल सके कि आप ये टाइप का कंटेंट भी बनाते हो, समझ गए। जिससे ऐसा होगा अगली बार जब मैं ऐसा टाइप का वीडियो बनाऊंगा ना अपना, तो इंस्टाग्राम वाले मेरी वीडियो दूसरों को फिर रेकमेंड कर देंगे। ओके, तो पहले आपको सेव करनी है जो भी आप टाइप का कंटेंट बनाते हो इंस्टाग्राम में। और गाइस मुझे ना अपने इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे मैसेज आते हैं यार, ना ही लाइक्स मिल रहे हैं ना ही व्यूज़ मिल रहे हैं, जब मैं उनका अकाउंट देखता हूँ तो उनके अकाउंट में सिर्फ यार 100 फॉलोवर होते हैं और उनके वीडियोस भी यार कुछ खास नहीं होती। अब पहली बात तो यार अपने वीडियो में एडिटिंग भी किया करो, और जब तक आपके इंस्टाग्राम में 6000 फॉलोवर नहीं होते तब तक आपको फॉलो अनफॉलो करके ही फॉलोवर बढ़ाने पड़ेंगे, कहीं से भी आपको फॉलोवर नहीं आएंगे तब तक। आपको फॉलो अनफॉलो से आ सकते हैं या कि आप कोई वायरल ट्रेंड में वीडियो बनाओगे तब जाके आपको फॉलोवर मिलेंगे।
ठीक है, तो फॉलोअर आप एक और तरीके से ले सकते हो, या कि आप जो भी रील्स में वायरल वीडियो चल रही होती है ना, जो भी वायरल वीडियो दिख रही है, उस बंदे के अकाउंट में डायरेक्ट जाओ और उसके फॉलोअर में जाओ और वहाँ से 20-30 लोग फॉलो करो, ऐसे करो, ठीक है, ऐसे तुम्हें जल्दी फॉलोअर मिल जाते हैं। ये भी तुम चीज़ से फॉलोअर ले सकते हो। और जैसे इस अकाउंट के 8,000 फॉलोअर्स हैं, अब इनकी फॉलोइंग नोटिस करना 4,000 कुछ है, इन्होंने फॉलो अनफॉलो ऐसा ही करके अपने फॉलोअर इंक्रीज किए हैं 8,000, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट हैं जिनके 10,000 हैं, 12,000 हैं, तो वो ऐसे ही अपने फॉलोअर बढ़ाती हैं। तो गाइस यार, इस वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है, ओके। और गाइस कमेंट में बताना यार, आपको रील्स में सबसे अच्छी वीडियोस किसके लगती हैं, इन सब में से आपका फेवरेट कौन है, किसकी वीडियो सबसे सही होती है, कमेंट में मुझे बताना, ओके। और गाइस, सुना कि यार टिकटॉक इंडिया में वापस आ रहा है, टिकटॉक के नाम से नाम चेंज करके, तो क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट में मुझे बताना। और मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का ही मेरा चैनल है चिराग गुजराल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस, मेरा पिछला वीडियो यार आज से देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मतलब रील्स की वीडियो की क्वालिटी हाई कैसे कर सकते हो, आईफोन का फिल्टर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे डाल सकते हो, तो ये वाला वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना आज से, ओके। बाय बाय, टेक केयर।